दिस इज़ पुनीत, सो यू आर वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर फॉर यू। सो ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बता दूँ कि अब तक जो हमने 5 वीडियोस में कवर किया है वो आपने जैसा कि वीडियो नंबर 1 में देखा होगा, हमने सिलेबस डिस्कस किया था और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो पहला टॉपिक था वो था नाउन। और इस नाउन के हमारे पास 2 सब पार्ट्स थे, एक था नंबर और जेंडर। तो अब तक मैं बता दूं, हम इन 5 वीडियोस में सिलेबस के साथ साथ अपना जो टॉपिक नाउन है उसका एक पार्ट कवर कर चुके हैं जो कि नंबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। तो एक चीज़ मैं यहाँ ये बता दूं फिर से कि हम जब कोई टॉपिक करते हैं उसको 2 तरीके से किया जाता है। एक तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा उसका जो यूज़ है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जेंडर, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जेंडर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जेंडर होता क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं और एक प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो जेंडर बेसिकली होता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट सेक्स। अब आपने देखा होगा जब एक फॉर्म भरा जाता है उसमें पूछा जाता है आपसे जेंडर, क्या पूछा जाता है जेंडर, और उसमें फिर क्या लिखते हैं हम उसमें, या लिखते हैं मेल या लिखते हैं फीमेल। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जेंडर की बजाय क्या लिखा होता है, सेक्स। तो उस सेक्स में भी वो आपसे क्या पूछ रहा होता है, मेल और फीमेल। तो बेसिकली जो जेंडर है इट टेल्स अस अबाउट सेक्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू मेल फीमेल और समथिंग एल्स। तो यहाँ मेल फीमेल जो है वो हमारा क्या है, जेंडर है, वो हमारा सेक्स है। तो हमारा जेंडर जो टॉपिक है उसका मेन पर्पस क्या है, वो जेंडर है क्या, आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली हमारे पास वी हैव 4 काइंड्स, हमारे पास 4 तरह के जेंडर्स होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर एंड नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। तो ये जो 4 तरह के जेंडर्स आपके सामने लिखे हैं हम इनको 1 by 1 भी देख लेते हैं। जो मैस्कुलिन जेंडर है, जो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है वो बेसिकली क्या बताता है कि जो हमारा एक मेंबर है स्पीसीज का, कोई भी नाउन कह लो यहाँ, कि हमारा जो नाउन है वो किस जेंडर का है। मैस्कुलिन जेंडर का नाउन कौन सा होगा जो किसको डिनोट करेगा, मेल को। जैसे अगर मैं बात करूँ, सपोज़ मेरे किसी फ्रेंड का नाम है रोहित, तो रोहित क्या है यहाँ पर, जो रोहित है वो किसी का नाम है, नाउन है, और वो नज़र भी आ रहा है कि वो एक किसी लड़के का नाम है। तो ये मेल, जो मेल मेंबर को डिनोट कर रहा है उसको हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। और ये सिर्फ पर्सन्स के लिए नहीं है, ये एनिमल्स के लिए भी है। अब एनिमल्स में कैसे हो जाएगा, जो बुल है या फिर ऑक्स है वो क्या है, यहाँ पर वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो मेल के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। आई होप आपको मैस्कुलिन समझ आया होगा। सो नंबर 2 फेमिनिन जेंडर। अब जो फेमिनिन जेंडर है, जैसे फेमिनिन से पता चल रहा है, जैसे मैस्कुलिन से मेल था वैसे ही फेमिनिन जेंडर किसको डिनोट करेगा, फीमेल को। अब फीमेल में फिर से ले लेते हैं, जैसे मैंने अपने फ्रेंड का नाम बताया रोहित, अब यहाँ मैं अब एक गर्ल का कोई नाम आप ले लीजिए या वुमेन का नाम ले लीजिए, अब आप यहाँ कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे आप ले लो कविता। अब मैं यहाँ अगर बात करूँ कविता, वो किसी का नाम है, एक देखने से भी लग रहा है कि वो लड़की का नाम है, तो जो कविता है वो बन जाएगा मेरा फेमिनिन जेंडर, जो कि एक फीमेल को शो कर रहा है, फीमेल मेंबर को शो कर रहा है। इसी तरह जैसे हमने बुल या ऑक्स की बात की थी, अगर फेमिनिन जेंडर की बात करूँ, मैस्कुलिन में अगर ऑक्स था और बुल था तो फेमिनिन में इसका क्या बन जाएगा, काऊ। तो जो काऊ है वो भी फीमेल है। तो यहाँ मैंने आपको बताया पर्सन्स का और एनिमल्स का, तो आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन समझ आया होगा। सो नंबर 3 वी हैव कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या है,
कॉमन जेंडर हमारा बताएगा कि इट मे बी आइदर मेल और फीमेल। अब जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट से नहीं पता चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है, वो कब पता चलेगा, जब मैं कहूँगा ही इज़ अ स्टूडेंट तो पता चला कि वो मेल है, और अगर मैं कहूँ शी इज़ अ स्टूडेंट तो आप हमें पता चला कि वो एक फीमेल है। तो इसी तरह से आप टीचर, ही इज़ माई टीचर, अब पता चल रहा है मेल है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब मैं बोल रहा हूँ शी इज़ माई टीचर तो इससे पता चल रहा है फीमेल है। तो अब इसी से, अब जब मैं उसको मेल और फीमेल दोनों में से किसी के लिए भी यूज़ कर पा रहा हूँ तो इट मीन्स ये कॉमन है, तो ये है कॉमन जेंडर। नंबर फोर जो आपका है न्यूट्रल। अब न्यूट्रल जेंडर से आप क्या समझते हैं, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो वो मेल है ना ही फीमेल है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, जैसे आप अभी अगर बात करो पेन, पेन क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। पेंसिल, निर्जीव वस्तु आप कह सकते हैं, पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, तो ये सब क्या हैं आपके न्यूट्रल जेंडर्स। तो यहाँ चार तरह के जेंडर्स आपने देखे, तो ये जो आपके जेंडर्स हैं ये चार तरह के जो मैंने बताए, आप इनको ध्यान में रख के आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको देखिएगा। और अब यहाँ मैं कुछ और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर ले। तो यहाँ हमारे पास कुछ जो नाउंस सामने लिखे हैं वो कौन से नाउंस हैं, नाउंस डिनोटिंग पावर, स्ट्रेंथ, वॉयलेंस और डिस्ट्रक्शन। तो जो नाउंस पावर को, स्ट्रेंथ को, वॉयलेंस को या फिर डिस्ट्रक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, उन नाउंस को हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ हमारे सामने लिखे हैं द सन, अब सन को किस तरह यहाँ समझा गया है पावर, स्ट्रेंथ, वॉयलेंस या डिस्ट्रक्शन में, बहुत ज़्यादा तीखी किरणें जब उसकी होती हैं, बहुत गर्मी जिससे लगती है, उसलिए इसको यहाँ पावर, स्ट्रेंथ, वॉयलेंस किसी में से भी आप ले सकते हैं। समर, समर फिर से बिल्कुल वही गर्मी वाली सेंस में, उसकी पावर है एक, स्ट्रेंथ है वो, और उससे डिस्ट्रक्शन होता है चाहे उसको लगा लो। इसी तरह से विंटर, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, सर्दी बहुत लगती है, वी डोंट फील कंफर्टेबल, उस तरह से, मतलब यहाँ हर चीज़ को लेकर नहीं कह सकते, स्पेशली ये वर्ड इसीलिए हैं ये नाउंस। इसी तरह विंड, विंड कई बार बहुत तेज़ हवा चलती है और काफ़ी डिस्ट्रक्शन वो कर देती है, तो उस सेंस में। डेथ, डेथ यहाँ एक एग्जांपल लिखा है मैंने, डेथ लेज हिज हैंड ऑन ऑल, मतलब डेथ सबको आनी है, इसका ये मतलब है वैसे। तो ही यहाँ जो हिज यूज़ किया है हमने, ये मैस्कुलिन, हिज किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे ही होता है हिज, तो ही के लिए क्या यूज़ करते हैं, हिज, शी के लिए हर, तो इसी तरह ये हिज हैंड, तो हिज का मतलब यहाँ डेथ को मतलब पर्सोनिफाई किया है, कहने का मतलब डेथ यहाँ मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही टाइम जो वर्ड है, टाइम को भी हम अगर उसकी तरह यूज़ करें, ऐसे कह लो टाइम हैज़ हिज ओन पावर, तो हिज हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वॉर, अब यहाँ वॉर का लिखा है, वॉर हैज़ हिज ओन स्टोरीज, तो वॉर हैज़, वॉर को हिज दिखाया है हमने जो कि मैस्कुलिन जेंडर है। वाइन, वाइन भी एक आपको पता है किस तरह से डिस्ट्रक्शन का काम करती है, ये हर किसी के केस में मैं नहीं कह रहा, तो वाइन यहाँ एक नेगेटिव थिंग की तरह, मतलब डिस्ट्रक्शन जो करती है उसकी तरह यूज़ किया जाता है। जैसे थंडर, स्टॉर्म एंड थंडर, आपने आंधी तूफान देखा होगा कैसे गर्जना होती है, तो वो सब ये उसी तरह पावर, स्ट्रेंथ, वॉयलेंस और डिस्ट्रक्शन की तरह यूज़ हुआ है। तो ये वो नाउंस हैं जिनको हम मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं, तो इनका जो जेंडर है वो क्या रहता है, मैस्कुलिन। तो आइए इसी तरह के कुछ और काइंड्स हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें आपका ये पावर, स्ट्रेंथ, वॉयलेंस, डिस्ट्रक्शन ये बदल जाएगा, और जो नीचे नाउंस दिए जाएंगे वो मैस्कुलिन जेंडर की बजाय फेमिनिन जेंडर की तरह यूज़ होंगे। तो आइए देख लेते हैं, वो नाउंस हैं, नाउंस डिनोटिंग, वो नाउंस जो डिनोट करते हैं किस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ब्यूटी, ग्रेस या फिर जेंटलनेस। तो ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस, यहाँ जेंटलनेस मीन्स स्वीटनेस। तो अगर यहाँ हम बात करें द मून,
तो जैसे आपने देखा होगा, रात को जब मून निकलता है, चांदनी रात होती है, कितना अच्छा महसूस होता है। तो द मून इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी, क्योंकि यहाँ ब्यूटी की सेंस में जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था कि इनके लिए हम क्या यूज़, इनको किस तरह यूज़ करेंगे, फेमिनिन जेंडर की तरह। तो फेमिनिन जेंडर की तरह जब यूज़ करेंगे तो द मून के साथ क्या लगाएंगे हम, हर, ऑटम। तो ऐसे ही ऑटम है, जैसे ऑटम आपकी जो ये दो ऑटम और स्प्रिंग, ये दो ऋतुएं हैं, तो ये दोनों ऋतुएं कितनी सुहावनी होती हैं। तो उसके लिए मतलब उस टाइम में जो ब्यूटी होती है, तो अगर हम ऑटम का यूज़ करेंगे या स्प्रिंग का, तो इनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, हर। नेक्स्ट नेचर, तो इसी तरह नेचर, जैसे यहाँ लिखा है नेचर इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी, तो यहाँ देखिए नेचर जो नाउन है उसके साथ हमने यूज़ किया हर। तो यहाँ हर किस लिए यूज़ हुआ है, फेमिनिन जेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो नेचर के साथ क्या यूज़ किया हमने, हर। इसी तरह अर्थ, इसी तरह बर्थ, तो अर्थ और बर्थ इनके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हर। या फिर शी का भी यूज़ कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह का होगा। होप, होप आशा, ऑनेस्टी, मर्सी, लिबर्टी, चैरिटी एंड पीस। तो इनमें से कोई भी नाउन आप यूज़ करेंगे जब ब्यूटी, ग्रेस या जेंटलनेस की सेंस में, तो हम उसके साथ फेमिनिन जेंडर का यूज़ करेंगे। और उसके साथ जो प्रोनाउन है, जैसे या फिर एडजेक्टिव है जो भी, वो हम कैसा यूज़ करेंगे, हम फेमिनिन जेंडर में, उसका फेमिनिन। ऐसे ही पीस हैज़ हर ओन चार्म, पीस हैज़ हर, तो यहाँ भी हमने हर यूज़ किया जो कि फेमिनिन जेंडर को एक्सप्रेस करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो नाउन्स ब्यूटी, ग्रेस और जेंटलनेस को एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे फेमिनिन जेंडर। तो उनके लिए जो प्रोनाउंस हैं वो यूज़ किस तरह से होंगे, शी, हर, हर सेल्फ, तो ये सब हम यूज़ करेंगे। तो ये रहे आपके वो दोनों। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जैसे इससे पहले वाली जो थे, हमने जो इससे पहला जो काइंड किया था, जिसमें कि पावर, स्ट्रेंथ, डिस्ट्रक्शन, ये सब था, तो ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको फर्स्ट वाली सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो हम मैस्कुलिन जेंडर मतलब हिज़ यूज़ करेंगे, और अगर इस वाली सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम हर यूज़ करेंगे। जैसे अभी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ये जितनी चीज़ें लिखी हैं, वैसे ये तो सही है, जैसे जो फर्स्ट वाले में हमने देखा, जैसे जैसे उसमें विंड लिखा था, अब वो विंड किसी भी सेंस में हो सकती है, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है, विंड जो है वो ब्यूटी की सेंस में भी हो सकती है। तो आप अपनी सेंस के अकॉर्डिंग उसमें हिज या हर लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है वो जो विंड है वो ब्यूटी, ग्रेस या जेंटलनेस को एक्सप्रेस कर रही है, तो उस टाइम पे आप विंड के लिए आप हर यूज़ कीजिए। और अगर आपको लगता है वो डिस्ट्रक्शन की सेंस में यूज़ है, यूज़ किया है, तो उसको हिज यूज़ कीजिए। वैसे बुक्स में जनरली जो वर्ड्स दे दिए जाते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वो उसी तरह यूज़ हो रहे होंगे। तो एक वर्ड हो सकता है वो, अब जैसे द सन की अगर मैं बात करूं, जो सन है, क्या वो विंटर सीज़न जो हमारा होता है, सर्दी का मौसम, क्या उसमें भी हमें उसकी जो रेज़ हैं वो बहुत तीखी लगती हैं? सो द सन, हो सकता है वहाँ हमारे पास जेंटलनेस, ग्रेस उस सेंस में यूज़ हुआ हो, स्वीटनेस के उसमें यूज़ हुआ हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यूसेज, तो आप उसको ध्यान में रख के चलिएगा। सो आइए लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर्स, तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो जनरली न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आपको याद होगा हमने कलेक्टिव नाउन्स जो डिस्कस किए थे, मतलब पहली पिछली जो वीडियोस थी उनमें हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ देख लीजिए, यहाँ टीम, आर्मी और कमिटी, ये तीनों कलेक्टिव नाउन्स हैं। द टीम हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, तो यहाँ इट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम न्यूट्रल जो जेंडर है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोनाउन, इट्स। द आर्मी हैज़ अचीव्ड इट्स गोल। द कमिटी हैज़ सबमिटेड इट्स
रिपोर्ट। तो ये जो हम टीम, आर्मी और कमिटी है, इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इट्स। तो ये न्यूट्रल जेंडर हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन्स के साथ। तो एक चीज़ और देख लीजिए, ये कलेक्टिव नाउन्स नहीं हैं, ये हैं हमारे कॉमन नाउन्स। यह हम एक बार लिख देता हूँ, कॉमन नाउन्स। तो ये जो हमारे कॉमन नाउन्स हैं, इन्फेंट, बेबी, चाइल्ड, तो ये जो हैं कॉमन नाउन्स क्यों हैं? इनसे पता नहीं चलता कि बेबी मेल है या फीमेल है। तो इसलिए ये जो इन्फेंट, बेबी और चाइल्ड हैं, इनको, इनके लिए भी हम, इनको भी न्यूट्रल जेंडर्स में जब करते हैं यूज़, तो इट्स की तरह, सॉरी न्यूट्रल जेंडर नहीं, इसमें हम इट्स यूज़ करते हैं जो प्रोनाउन है। तो जैसे इन्फेंट, द इन्फेंट इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, सेम वे द बेबी इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, द चाइल्ड इज़ लुकिंग फॉर इट्स मदर। तो इनके सब के साथ क्या लगेगा? इट्स। तो यहाँ ये पॉइंट है जो कॉमन नाउन्स के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये तीन ऐसे नाउन्स हैं जैसे कि इनके लिए आप इट्स यूज़ करेंगे। अब आइए हम अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ जब कभी एक कंट्री का नाम जब एक नाउन की तरह यूज़ होता है, जब एक नाउन नेम ऑफ अ कंट्री है कोई, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन ब्रॉड सेंस, व्हेन इट इज़ यूज्ड इन अ ब्रॉड सेंस, जब ये एक ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है, तो वो न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे एक जियोग्राफिकल यूनिट की तरह यूज़ किया जा रहा है वो, तो उसमें क्या है, न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज़ होगा। तो यहाँ देख लीजिए, इंडिया इज़ अ कंट्री, तो इंडिया यहाँ नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। इंडिया इज़ अ कंट्री, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इंडिया के लिए यहाँ क्या यूज़ हुआ? इट। तो हमारा यही मेन पॉइंट यही है कि इट यहाँ क्यों यूज़ हुआ, बिकॉज वी आर यूजिंग इंडिया एज अ न्यूट्रल जेंडर, तो इसलिए यहाँ क्या यूज़ हुआ? इट। इसी में देख लीजिए, अब ये फेमिनिन जेंडर की तरह यूज़ होगा इंडिया, कैसे? जब ये इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या फिर इमोशनल व्यू पॉइंट से डिस्कस होगा। जैसे यहाँ, इंडिया इज़ नोन फॉर हर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इंडिया किस लिए जाना जाता है? उसकी अनेकता में एकता के कारण, इंडिया इज़ नोन फॉर हर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इंडिया के लिए क्या की जगह क्या यूज़ हुआ था? इट। तो यहाँ प्रोनाउन कौन सा यूज़ हो रहा है? इट। अब यहाँ इंडिया के लिए क्या यूज़ हो रहा है? हर। इंडिया इज़ नोन फॉर हर, तो यहाँ ये फेमिनिन जेंडर की तरह यूज़ हुआ है। तो आपको समझ आया होगा कि जब एक कंट्री का नाम एक इस सेंस में और एक इस सेंस में यूज़ होता है, तो वो वहाँ पर फर्स्ट केस में न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज़ होता है और सेकंड में फेमिनिन जेंडर की तरह। तो आइए अब हम आते हैं अपना मेन जो टॉपिक है, मैस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर, कैसे एक मैस्कुलिन जेंडर का जो फेमिनिन जेंडर है वो कैसे बनाया जाता है या उसका क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ हम वेरियस एग्जांपल्स देखें। एक बार मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको कुछ इजी वे में बता दूँ इस टॉपिक के बारे में, ताकि आगे जो हम करेंगे वो आपको और भी अच्छे से समझ आए। तो वैसे तो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है, तो आप जो भी देख पा रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, तो मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ कि ये लिखा क्या है। तो अभी सबसे पहले जो हमने लिखा है मैस्कुलिन और ये लिखा है फेमिनिन, तो अभी हम करने क्या जा रहे हैं कि एक फेमिनिन जेंडर को, सॉरी एक मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बनाने के लिए किस तरह से हम, मतलब एक मैस्कुलिन जेंडर में वो नाउन क्या होता है और फेमिनिन जेंडर में वो नाउन क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें कि मैंने यहाँ जो एम ए तक इसको अंडरलाइन किया हुआ है, एम ए और लास्ट में ई, तो यहाँ मैं यह क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैस्कुलिन में एम ए है, यहाँ भी एम ए और लास्ट में ई, मेल, तो मैस्कुलिन क्या हो गया हमारा? मेल। उसी तरह फेमिनिन, फेमिनिन में एफ ई एम और फिर ई, एफ ई एम फिर ई, फीमेल। तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ जस्ट, तो मैस्कुलिन में मेल, फेमिनिन में फीमेल।
तो मैस्कुलिन क्या बताते हैं आपको, मेल के बारे में, फेमिनिन फीमेल। अब एक अच्छा सा एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ यहाँ मैंने लिखा है फियोंसी। अब ये फियोंसी होता क्या है, एक मैन या फिर एक पर्सन जिसकी सगाई हो चुकी है, शादी होगी बाद में, तो अभी सगाई हो चुकी है तो उसको क्या बोलते हैं, फियोंसी। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि इधर देखिए ये भी फियोंसी है, प्रोनंसिएशन दोनों का सेम होता है, बट स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें सिंगल ई है और उधर डबल ई है, मींस वहाँ क्या है, ई ई। सो फियोंसी, और ये भी क्या है, फियोंसी। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मेल में एक ई है, वैसे ही जो मेल वाला फियोंसी है उसमें भी एक ई है, और इसमें देखो जैसे फीमेल में एक दो, जैसे फीमेल में दो ई हैं, उसी तरह से फियोंसी में भी क्या है, आपके दो ई हैं। तो आपको इस तरह से याद रहेगा कि मेल में एक ई होगा और जैसे फीमेल में दो ई हैं, यहाँ फियोंसी में भी दो ई होंगे। अब मेन, अब हमें जब पता चल गया कि उसमें वो फेमिनिन जेंडर है और ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो अब देख लीजिए इसका मेन यूज़ क्या है, ही इज़ माई फियोंसी। अब कॉमन एरर कैसे हो सकता है, यहाँ अगर ये वाला स्पेलिंग यहाँ लिख दिया जाए, ही इज़ माई फियोंसी, अगर ये वाला स्पेलिंग यहाँ लिख दिया जाए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ही वाले में आपने ही के साथ कौन सा चाहिए, ये वाला सिंगल ई वाला, तो ही इज़ माई फियोंसी। तो अगर एक लड़की ये बोल रही है, सपोज करो कि ही इज़ माई फियोंसी, तो तभी तो ये मेल, तभी ये मेल जेंडर होगा, मैस्कुलिन जेंडर तभी होगा। अगर कोई लड़का कह रहा है शी इज़ माई फियोंसी, तो शी, तो ये दोनों, ये फियोंसी इसके लिए कौन सा यूज़ हुआ है, शी। तो ये आपको समझाने के लिए था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे जब हम करेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो यहाँ फिर से नहीं लिखेंगे हम कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो आप उसको अंडरस्टूड कर लेना, उसको इजीली समझ लेना कि जो लेफ़्ट में लिखा होगा, जैसे ये लेफ़्ट में है फियोंसी, तो मैस्कुलिन जो हम है वो लेफ़्ट में लिखेंगे और उसका जो फेमिनिन जेंडर होगा वो हम राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ मैंने मैन लिखा है, यहाँ वुमन लिखा है। एक डिक्शनरी जनरली मैन को कैसे डिफाइन करती है, एन अडल्ट मेल ह्यूमन, एन अडल्ट मेल ह्यूमन, और वुमन को एन अडल्ट फीमेल ह्यूमन। तो बेसिकली मैन और वुमेन जो है वो मेल फीमेल। तो यहाँ जो मैंने आपको बताया उसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेते हैं कुछ नाउंस और उनके मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स। तो यहाँ सबसे पहला हमारे पास लिखा है मैन, तो मैन का जो, मैन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में है, तो उसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, वुमन। उसी तरह हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ, फादर का मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, अंकल आंट, नेफ्यू नीज। उसी तरह से फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, स्टेप फादर स्टेप मदर। तो यहाँ ग्रैंडफादर मींस दादाजी और ग्रैंडमदर मींस दादी जी, स्टेप फादर स्टेप मदर तेला पिता या फिर सौतेली माता, स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर वैसे ही सौतेला भाई सौतेली बहन, स्टेप सन स्टेप डॉटर सौतेला बेटा सौतेली बेटी, मैटर्नल ग्रैंडफादर मैटर्नल ग्रैंडमदर। तो ये जो मैटर्नल ग्रैंडफादर है इसका मतलब होता है नाना जी, और मैटर्नल ग्रैंडमदर का मतलब नानी जी। और अगर मैं कहूँ जैसे ये है अंकल आंट, तो वैसे ही अगर हम कहें मैटर्नल अंकल,
क्या? मैटर्नल अंकल, तो वो बन जाएंगे मामा जी, और उसका फेमिनिन जेंडर बनेगा मैटर्नल आंट, मीन्स मैटर्नल आंट मीन्स मामी जी। तो इस तरह से ये जनरल जो हैं, जो जनरली देखने को मिलते भी हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, तो ये वो लिस्ट है, ये वो नाउन्स हैं। तो आपने देखा कि कैसे इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म। तो आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ फिर हमारे सामने कुछ नाउन्स फिर से लिखे हैं। सो नंबर वन वी हैव बैचलर। तो बैचलर क्या है? एक कुंवारा लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई बट वो शादी के लायक हो चुका है, तो बैचलर इज़ दैट पर्सन। तो ये है मैस्कुलिन जेंडर, इसका फेमिनिन क्या बनेगा? स्पिनिस्टर। तो स्पिनिस्टर जो है वो किसके लिए है? कुंवारी लड़की, एन अनमैरिड यंग वूमन। तो उसी तरह से मेडन, और एक है मेड। ये आज की डेट में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आज की डेट में अगर यूज़ किया जाता है तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपने देख लिया बैचलर का क्या बनेगा? कुंवारा लड़का, कुंवारी लड़की। ब्राइड ग्रूम, तो ब्राइड ग्रूम का मतलब यहाँ क्या है? दूल्हा, और ब्राइड का मतलब दुल्हन। विडोअर, अब ये विडोअर कौन है? विडोअर एक पर्सन है जिसकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है, अ पर्सन हुज़ वाइफ हैज़ बिन डाइड, जिसकी जो वाइफ है शी इज़ नो मोर। ऐसे ही विडो, अब विडो कौन है? जिसके जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके हैं, हु इज़ नो मोर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो विडो जो विडो है वो उसके लिए यूज़ होगा। तो ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन। विजर्ड, विजर्डिस, अब ये जो विजर्ड है ये क्या है? मजीशियन, जो जादू जादू करते हैं। वैसे इसका आपको विच भी लिखा मिलेगा कहीं, WITCH विच, पर वो जो विच है वो जादू टोना वाला जो है वो उसके लिए। आप इसके इसकी जगह विच भी लिख सकते हैं, WITCH। तो विजिट का क्या है? विजिटिस। सोर्सरर, और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका ये मतलब है कि ये आज की डेट में बहुत कम यूज़ होता है। सोसरर, सोसरेस, अब ये जो सोसरर है इसका मतलब भी क्या है? मजीशियन। तो यहाँ हमारे पास वन टू, एक इंचेंटर और कॉन्जरर, तो ये फोर वर्ड्स हैं, ये मजीशियन के लिए यूज़ किए गए हैं यहाँ सब। तो नेक्स्ट इज लेड, लेस, तो लेड जो है एक बॉय के लिए यूज़ किया जाता है, और लेड गर्ल के लिए। लवर, बिलविड, प्रेमी, प्रेमिका, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट इज गॉड, गॉडेस, इंचेंटर, इंचेंट्रेस, कॉन्जरर, कॉन्जरेस। ये मैंने आपको बताया विजर्ड, सोर्सरर, इंचेंटर और कॉन्जरर, ये एक ही सेंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज मंक, मंक का क्या है? नन। फ्रायर, नन, एबट, एबिस। तो ये तीन जो आप देख पा रहे हैं, मंक, फ्रायर एंड एबट, इन तीनों का मतलब क्या है? चाहे योगी लगा लो, तपस्वी लगा लो या सन्यासी, और इसी तरह से ये हैं, योगी नहीं लगा लो, तपस्वी नहीं लगा लो, हीरो, हीरोइन। तो ये रहे आपके सामने कुछ नाउन्स। तो हमने इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन किया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एक तरह से आपस में रिलेटेड हैं उनको एक ही जगह पे आपके सामने लेकर आया जाए। तो जैसे आपने देखा होगा अभी तक हम सिर्फ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हीं से रिलेटेड जो नाउन्स हैं उनको उनको हमने स्टडी किया अभी। तो आगे आगे जैसे हम चलेंगे तो कोशिश मैं करूँगा कि एक ही तरह के नाउन्स आपके सामने हों। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देख लेते हैं। तो यहाँ जो नाउन्स आपके सामने लिखे हैं ये नाउन्स एक कैटेगरी है कि जैसे इंग्लैंड में जो टाइटल्स होते हैं किंग, क्वीन और उससे नीचे के नीचे नीचे जैसे हम जाते हैं, जो कुछ टाइटल्स होते हैं प्रिंस, ड्यूक, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर वन हमारे पास है किंग, तो बहुत सिंपल है, आपने सुना भी है, किंग, क्वीन, राजा, रानी। उसके बाद प्रिंस, प्रिंसेस, तो ये जो राजकुमार, राजकुमारी। नेक्स्ट है
अब ये देख लीजिए आप, जो ड्यूक है, मार्क्विस है, इसके दो स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं और दोनों प्रोनाउंस एक जैसे ही होते हैं, मार्क्विस। अर्ल, काउंट, तो सबसे ऊपर ड्यूक है, उससे नीचे जो रैंक है वो है मार्क्विस, नेक्स्ट है अर्ल या फिर काउंट, उसके बाद का जो रैंक है वो है वाइकाउंट। इसमें जो एस है ये साइलेंट होता है, इसको क्या बोलेंगे, वाइकाउंट। उसके बाद बैरन है और उसके बाद लॉर्ड है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो लॉर्ड है वो 6 नंबर पे आता है। तो आइए देख लेते हैं, ड्यूक, डचेस, तो जो ड्यूक है उसकी वाइफ को क्या कहेंगे, डचेस। मार्क्विस, मार्क्विस, दोनों मार्क्विस, मार्क्विस। तो मार्चनेस क्या है, ये मार्चनेस। नेक्स्ट अर्ल और काउंट, काउंटेस, ये बताया था मैंने, वाई काउंट, वाई काउंटेस। बैरन, बैरनेस। लॉर्ड, लेडी। अब ये लॉर्ड तो टाइटल वाला है, मतलब ये जो इससे रिलेटेड है। अब ये जेंटलमैन का भी लेडी होता है, तो यहाँ देख लीजिए, आपने सुना होगा कई बार एड्रेस जब करते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर वेलकम, ऐसे कुछ जब कहा जाता है, तो ये जो जेंटलमैन है, ये जेंटलमैन एक पोलाइटली एक मैन है, उसको एड्रेस किया जाता है इस वर्ड का यूज़ करके। ही इज़ अ जेंटलमैन, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, ही इज़ जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन। तो ये जेंटलमैन क्या है, जेंटलमैन का मतलब यहाँ क्या है, जो वेल मैनर्ड है, जिसको अच्छे मैनर्स हैं और उसकी जो उसका जो पालन पोषण हुआ है वो भी अच्छे तरीके से हुआ है और उसकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो अ वेल मैनर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड जेंटलमैन। उसी तरह से लेडी, लेडी भी एक रिस्पेक्टफुली किसी वुमेन को एड्रेस जब करते हैं तो लेडी तब यूज़ किया जाता है। और लेडी वैसे इज एक हाउस होल्ड जो होता है, उसकी जो मालकिन होती है वो भी लेडी होती है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना लेडी टीचर, तो सुटेबल क्या होता है, वुमेन टीचर। तो हम लेडी टीचर बोल देते हैं बट सुटेबल होता है वुमेन टीचर, बिकॉज लेडी मैंने जैसे आपको बताया वो किस सेंस में यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट मेयर, मेयरेस। अब ये जो मेयर है, इट इज़ लीडर ऑफ ए सिटी, म्यूनिसिपैलिटी, तो मेयर, मेयरेस। नेक्स्ट एम्परर, एम्प्रेस, सम्राट, जिसको आप बोलते हो सम्राट, ये भी कुछ इसी जैसा, इन्हीं वर्ड्स जैसा है। एयर, एयरेस, एयर का मतलब सक्सेसर, मींस एक जब एक किंग या फिर ड्यूक है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी होगा, जो उसके बाद उस सिंहासन को संभालता है, उसको बोलते हैं एयर, और ये है एयरेस। स्टूअर्ड, स्टूअर्डेस, तो जो स्टूअर्ड है वो दो तीन सेंस में यूज़ होता है, तो एक मीनिंग मैं बता देता हूँ यहाँ आपको। ये जो फ्लाइट अटेंडेंट होता है, मेल फ्लाइट अटेंडेंट इज़ कॉल्ड स्टूअर्ड। तो ये थे कुछ नाउंस आपके सामने, उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन आपने देखा। तो इसी तरह से आइए चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास नाउंस लिखे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। नंबर वन वी हैव मैन सर्वेंट। तो मैन सर्वेंट, जो मेल सर्वेंट होता है हमारा, उसको बोलते हैं मैन सर्वेंट। तो इसका क्या बनेगा, मेड सर्वेंट। जैसे आपने सुना होगा आज मेरी मेड नहीं आई, तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं, मेड सर्वेंट की, वो शॉर्ट फॉर्म उसका है कि मेड नहीं आई आज। इंग्लिश मैन, इंग्लिश वूमेन। फिशरमैन, फिशर वूमन। अब ये फिशरमैन कौन है, जिसका प्रोफेशन क्या है, मछली पकड़ना, मछुआरा। वॉशरमैन, वॉशर वूमेन। अब ये वॉशरमैन धोबी, जो कपड़े धोता है पैसों के लिए। वॉचमैन, वॉच वूमेन, आपने वॉचमैन सुना होगा, चौकीदार, तो ये वही है। स्टेट्समैन, स्टेट्स वूमन। अब ये जो स्टेट्समैन है, इसका मतलब जो पॉलिटिकल अफेयर्स में या फिर इंटरनेशनल या फिर नेशनल अफेयर्स में जो एक लीडर की तरह काम करता है, वो होता है हमारा स्टेट्समैन। स्पोक्समैन, स्पोक्स वूमन। स्पोक्समैन वो पर्सन होता है, वो मेल पर्सन होता है जो दूसरों के बिहाफ पे बोलता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जो उनका मत है आपस में, उनके बिहाफ पे वो बोलता है, स्पोक्समैन।
और ये है स्पोक्स वूमन। बैगर मैन और बैगर वूमन, ये वही है मेल बैगर जो होता है भिखारी, और ये उसका फेमिनिन। नेक्स्ट इज मिल्क मैन, मिल्क वूमन। अब आप देख रहे हैं मिल्क मेड, इसको अंडरलाइन किया गया है। पहले मैं ये बता दूं, मिल्क मैन मिल्क वूमन, डेरी मैन डेरी वूमन, ये दोनों एक हैं। इनका मतलब क्या है, जो अर्ली मॉर्निंग मिल्क की सप्लाई करते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग मिल्क की सप्लाई करते हैं। अब ये जो मिल्क मेड है, ये एक हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल वर्ड, हिस्टोरिकल नाउन आप कह सकते हो उसको। जब दूध निकालने के लिए, मिल्किंग के लिए मशीन्स नहीं आई थी, उससे पहले जो दूध निकाला करती थी लेडी या फिर वुमन, उसको बोला जाता था मिल्क मेड। तो अब अगर अभी भी ऐसा है तो वी कॉल हर मिल्क मेड। तो यहाँ जो मिल्क मैन है और डेरी मैन है, उन दोनों का मतलब क्या है, जो दूध की सप्लाई करते हैं। तो इसका जो मैस्कुलिन है वो मिल्क मैन है, तो बट बेसिकली यहाँ डेरी मैन और मिल्क मैन, मिल्क वूमन और डेरी वूमन, इनका काम क्या है, दूध की सप्लाई करना अर्ली मॉर्निंग, ये वही काम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई डेरी मैन है वो मिल्क मैन भी हो, सारे नहीं होते, कुछ सिर्फ एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो वो डेरी मैन या मिल्क मैन उस केस में भी होता है। तो मिल्क मेड आपको समझ आया होगा। सेल्समैन, अब जो सेल्समैन है आपको पता है जो चीज़ें बेचते हैं, सेल्समैन, सेल्स वूमन, सेल्स गर्ल, और इसका सेल्स लेडी भी मिल जाता है कई बार लिखा हुआ। हंट्समैन, हंट्स वूमन, जो शिकार करते हैं, ये मेल है वो फीमेल। नेक्स्ट चेयरमैन, चेयरवूमन, आज की डेट में चेयरमैन और चेयरवूमन के लिए चेयरपर्सन यूज़ किया जाता है। तो मैक्सिमम आपको ये चेयरपर्सन देखने को मिलेगा, यही सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट पोस्टमैन, पोस्ट वूमन, यहाँ ये रेयरली यूज़ होता है आज की डेट में, पोस्ट वूमन। मरमैन, मरमेड, अब ये जो मरमैन है, ये मरमैन एक लेजेंडरी क्रिएचर है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है, जो कि जिसका ऊपर वाला, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो एक मेल का होता है, और उससे जो नीचे वाला हिस्सा है वो फिश, और इसी तरह मरमेड, उसका जो मरमेड का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो एक वुमेन का होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसका फिश। तो मरमैन और मरमेड। नेक्स्ट लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड एक मेल पर्सन जिसके पास बहुत ज़मीन है, या फिर जो अपनी ज़मीन है या मकान है उसको रेंट पे देता है, मकान मालिक भी कह सकते हो, ज़मींदार भी कह सकते हो, इसी तरह मकान मालकिन भी कह सकते हो और ज़मींदार भी कह सकते हो। तो इस तरह से लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, और मैंने आपको लॉर्ड और लेडी बताया था अलग अलग। ये लॉर्ड एक टाइटल है जो किंग क्वीन वाली लाइन में आता है, और लेडी मैंने आपको बताया था एक रिस्पेक्ट देने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, रिस्पेक्टफुली जब एड्रेस किया जाता है एक वुमेन को, देन वी कॉल लेडी। और एक चीज़ और बता दूँ यहाँ, ये जो डेरी है और एक डायरी होता है, तो जो डेरी होता है उसमें बीच में एयर होता है, और डायरी डी आई ए आर वाई होता है, ये आई इधर आ जाता है और ए उधर चला जाता है। तो याद रखिएगा आप, डेरी में एयर होता है बीच में, और डायरी में डी आई ए आर वाई, तो डायरी एंड डेरी, डेरी मिल्क चॉकलेट आप सुनते हो जो, सो इसको भी याद रखिएगा, ये स्पेलिंग के तौर पे मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ आपके सामने फिर से कुछ नाउंस लिखे हैं। तो नंबर वन यहाँ पर है एक्टर, एक्टर का क्या बनेगा, एक्ट्रेस। तो एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है कुछ लेटर्स को, तो आप यहाँ स्पेलिंग का भी ध्यान रखिए, मैंने सब में किया है, तो जहाँ इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ बता भी दूंगा। तो यहाँ देखिए एक्टर का जो ओ है वो ओ हटकर ई डबल एस लग जाता है इसमें, एक्ट्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, यहाँ भी सेम है, ओ हटने से ई डबल एस लग जाता है, आर वहीं रहेगा। तो यहाँ बेनिफैक्टर का मतलब क्या है वो देख लेते हैं, एक दान करने वाला,
जो दानी होता है उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर, और एक आपने बेनिफिशियरी भी सुना होगा जो कि बैंक से रिलेटेड एक वर्ड है, बैंकिंग से रिलेटेड एक वर्ड है बेनिफिशियरी, जिसको बेनिफिट होना है। कंडक्टर कंडक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, सॉन्गस्टर सॉन्गस्ट्रेस। ये हंटर क्या है? शिकारी, जैसे हंट्समैन उधर आया था हमारे पास, हंट्समैन हमने पढ़ा था, तो वैसे ही हंटर, यहाँ सॉन्गस्टर। तो अ मेल सिंगर इज कॉल्ड सॉन्गस्टर, और ये है सॉन्गस्ट्रेस। सेमस्टर, अब ये सेमस्टर क्या है? जो कपड़े सिलता है, अ मेल पर्सन, हु शूज क्लॉथ्स, जो कपड़े सिलता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि टेलर भी तो होता है, तो टेलर भी होता है, तो टेलर भी होता है, बट जब आप उसका फेमिनिन जेंडर देखोगे तो टेलरेस, वो आज की डेट में इतना यूज़ में नहीं रहा, ऑब्सोलीट या डेटेड, वो आउटडेटेड हो गया है, उसको अब यूज़ नहीं किया जाता। तो सिमस्टर और ये सिमस्ट्रेस, इसको यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ स्पेशली फॉर जो हमारा फीमेल, क्या कहेंगे हम इसको, कि हमारा जो फेमिनिन जेंडर है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिमस्ट्रेस। नेक्स्ट इज टेम्प्टर टेम्प्ट्रेस। अब ये टेम्प्टर क्या होता है? टेम्प्टर होता है किसी को लुभाने वाला, लालच देने वाला, बहकाने वाला, तो ये है टेम्प्टर और ये है टेम्प्ट्रेस। नेक्स्ट इज मर्डरर, इसका क्या बनेगा? मर्डरेस। अब इसमें ई के ई हट जाएगा, इनमें उनमें ओ हट जाएगा, और ई डबल एस आप देख लीजिए, ट्रेस ट्रेस मैक्सिमम में, यहाँ ट्रेस है तो यहाँ ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ स्ट्रेस है, यहाँ ट्रेस है, तो मर्डरर का क्या बनेगा? मर्डरेस। तो यहाँ ई आर की जगह क्या लगा है? ई डबल एस। स्पेलिंग आप बाद में अपने आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का भी बिल्कुल वैसे ही है, ओ हट के इंस्पेक्ट्रेस। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का इंस्ट्रक्ट्रेस। अब ये रेयरली यूज़ होता है, अब तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेयर, ऑब्सोलीट ऑब्सोलीट रेयर। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है? जो आउटडेटेड हो चुका है, जो अब यूज़ नहीं होता, और ये रेयर यूज़ होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है। प्रिसेप्टर प्रिसेप्ट्रस, ये प्रिसेप्टर क्या है आपका? जैसे ट्यूटर है या टीचर है, उसी तरह। ट्रेटर ट्रेटरस, ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, देशद्रोही। गवर्नर गवर्नेस, ट्यूटर ट्यूट्रेस, प्रीचर प्रीचरेस, वेटर वेट्रेस। ये प्रीचर क्या है? उपदेशक, जो उपदेश देता है। तो इसका स्पेलिंग देख लीजिए, इसमें प्रीचर के जस्ट कुछ हटाना नहीं है, ई डबल एस लगेगा। वेटर वेटर का देख लीजिए, ई हटेगा और वेट्रेस। तो ये थे आपके नाउंस, हमने देखा कैसे इनका मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स में कैसे यूज़ होता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हैं। तो यहाँ नंबर वन जो हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटर है, और मैं ये बता दूँ कि यहाँ जो मैक्सिमम आप देख पा रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम फॉरेन लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। तो नंबर वन एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का जो फेमिनिन है वो दो तरीके से बनेगा। तो यहाँ ये दो तरह का होता है, तो यहाँ आप एडमिनिस्ट्रेटर का फर्स्ट देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटरिक्स, और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटरेस। नेक्स्ट देख लीजिए डायरेक्टर डायरेक्ट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रेस। नेक्स्ट एग्जीक्यूटर, अब ये जो एग्जीक्यूटर है वो भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही प्रबंधक ही होता है, एग्जीक्यूट्रेस। तो एग्जीक्यूटर का बनेगा एग्जीक्यूट्रिक्स और इसका बनेगा एग्जीक्यूट्रेस। तो ये हैं आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर, दोनों प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट प्रोसिक्यूटर, अब प्रोसिक्यूटर का क्या है? प्रोसिक्यूट्रिक्स। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो हमारा चीफ विटनेस होता है उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट टेस्टेटर टेस्टेट्रिक्स, अब टेस्टेटर कौन है? टेस्टेटर हम उसको बोलते हैं जो अपने मरने से पहले वसीयत करके जाता है, वसीयत लिखवा के जाता है, ही इज़ कॉल्ड टेस्टेटर, और उसका फेमिनिन क्या है? टेस्टेट्रिक्स।
नेक्स्ट इज जार। अब इसका मैक्सिमम ये स्पेलिंग आपको मिलेगा, तो ये एक रशियन टाइटल है जार, और इसका जो फेमिनिन है वो है जरीना, और ये भी जरीना। तो प्रनाउंस ये एक जैसे ही होते हैं, बट इसके दो स्पेलिंग आपको मिलेंगे, मैक्सिमम ये स्पेलिंग यूज़ होते हैं। नेक्स्ट सीनियोर। अब ये सीनियोर, ये भी इटालियन वर्ड है एक सीनियोर, और ये है सीनियोरा। नेक्स्ट वाइसरॉय, ये एक फ्रेंच वर्ड है वाइसरॉय, और ये है वाइसरेन। तो इसका जो प्लूरल है, सॉरी, इसका जो फेमिनिन है वो है वाइसरेन। तो सीनियोर और सीनियोरा। नेक्स्ट सल्टन, ये वैसे तो सुल्तान है, ये पहले फ्रेंच से टर्किश, फिर टर्किश के बाद अरेबिक। तो ये जो सल्तन है, वैसे तो सुल्तान है, बट इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड सल्तन, और ये है सल्तना। तो सुल्तान और ये सुल्ताना, तो ये जो वर्ड है इसका फेमिनिन सल्तना है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आपके सामने हैं, तो आप इनको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, इनको फिर से एक बार देख लेना। अब मैं यहाँ एक जो पॉइंट हमारा मेन है वो मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक पोइट और पोइटेस, ऑथर ऑथरेस। अब ये आज की डेट में पोइटेस और जो ऑथरेस है वो बहुत कम यूज़ होने लगा है। अब हम क्या यूज़ करते हैं? पोइट। अगर आप डिक्शनरी में भी डेफिनेशन देखेंगे, हु राइट्स, अ पर्सन हु राइट्स पोइम्स इज कॉल्ड पोइट। तो पोइट का ये डेफिनेशन आपको मिलेगा। और ऑथर, इसको फिर क्रिएटर ऑफ अ वर्क, क्रिएटर ऑफ अ वर्क। तो ऑथर और पोइट आज की डेट में पोइटेस की जगह हम पोइट ही यूज़ कर रहे हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, ऑथर हम यूज़ कर रहे हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो ये भी आप ज़रा ध्यान रखिए, ये टू पॉइंट्स मैंने जो डिस्कस किए, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ जो मैं बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस जनरल टॉपिक में वो आपके लिए ये है तो सारा इम्पोर्टेंट, बट ये वो चीज़ है जो हमारा कन्फ्यूज़न भी रहता है, तो मैं उसको क्लियर करने के लिए अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट है क्या। तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, उसको एक बार ध्यान से सुनना, और उसको फिर से एक बार चाहे पीछे रिवाइंड करके आप फिर से देख लेना। तो अभी मैं बता दूँ, सबसे पहले हमारा जो मास्टर होता है उसका क्या होता है? मिस्ट्रेस। मास्टर का क्या है? मिस्ट्रेस। तो अभी उसी तरह से मिस्टर, जैसे हम मिस्टर, ये वाला मिस्टर लिखते हैं ना, मिस्टर पुनीत, जैसे मिस्टर पुनीत टीचेस अस इंग्लिश, अगर मैं ये कहूँ, तो उसी तरह, अब उसी तरह अगर मैं कहूँ मिसिज़ रेनू, मिसिज़ रेनू टीचेस अस इंग्लिश, अगर मैं इस तरह से कहूँ, तो ये जो मिस्टर है ये यही वाला मिस्टर है। और मिस्टर का, अब जो मिस्टर है ये मैस्कुलिन जेंडर, इसका मिस्टर का, मिस्टर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है, और इसका फेमिनिन जेंडर क्या है? मिस्ट्रेस और मिसेस, जो आप सुनते हो ना मिसेस, ये है उसका स्पेलिंग। और ये मिसेस बना कहाँ से? यहीं से। अब देखो यहाँ अगर मैं मैक्सिमम यहाँ से लिया गया है, तो मिसेस इसी से बना है। तो अब यहाँ मिस्टर का प्लूरल कैसे बनेगा? एस लगाकर। मिस्ट्रेस का प्लूरल कैसे बनेगा? मिस्ट्रेसेस। मिसेस का मिसेसेस। यहाँ प्लूरल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया था, मुझे यहाँ ये डिस्कस करना था, तो अभी आप इसको देख लीजिए। तो अब जो मिस्टर है उसका जो एब्रीविएशन है, उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो क्या है? मिस्टर, एम आर। अब ये बता दूँ, ये जो एम आर है ये ब्रिटिश है, और एम आर एस ये भी ब्रिटिश है। अगर इसके आगे डॉट लग जाता है, जैसे यहाँ डॉट नहीं है, जैसे ही यहाँ डॉट लग जाता है तो ये यूएस या फिर कनाडा में जो यूज़ होता है ये वो बन जाता है। तो दैट्स वाई हम मिस्टर में अब डॉट यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आप डॉट देख पा रहे हो तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप जो कहते हो यूएस और कनाडा, अमेरिकन और कनाडा में जो, अमेरिका और कनाडा में जो यूज़ हो रहा है वो डॉट यहाँ लगता है, जो कि ब्रिटिश में नहीं है। तो अब ये मिस्टर है और ये
मिसेज है। तो अब इसका जो प्लूरल है, अब जैसे मैंने कहा मिस्टर पुनीत, और यहाँ मैं कहूँ मैसेज, ये एक मिस्टर, मिस्टर तो एक है, अब दो तीन चार पांच ज़्यादा, जब आप पांच छह लोगों को, मेल मेंबर्स को ले, उनका नाम लेना चाहते हो इकट्ठे, तो मैसेज आप यूज़ करते हो। ये देखिए मैसेज दीपक दिनेश एंड रोहित, तो जैसे आपने कहा मिस्टर पुनीत, वैसे ही आपने कहा मैसेज दीपक दिनेश एंड रोहित हेल्प मी, कि ये तीनों मेरी हेल्प करते हैं, और ये आपने मैसेज लगाया तो ये लगेगा यहाँ। अब इसी तरह से जो मिसेस है उसका प्लूरल क्या है, मेस, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, मेस, और इसको मैडम, ये मेस डेम्स नहीं है, इट इज़ मैडम। तो अब अगर इसका यूज़ करके आप कुछ नाम लिखें तो ये है मेस रेनू राखी एंड रोमिका हेल्प मी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैंने यहाँ बताया आपको मास्टर मिस्ट्रेस, उसके बाद मिस्टर, और मिस्टर को कैसे लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में, और ऐसे ही मैंने आपको बताया मिस्ट्रेस या फिर मिसेज उसको कैसे लिखा जाता है, और मैंने इनका प्लूरल भी बताया आपको। फिर मिस्टर का प्लूरल, देखो इस वाले मिस्टर का प्लूरल तो ये है, इस जो एब्रीविएटेड फॉर्म है उसका मिस्टर का प्लूरल क्या है, मैसेज, और यहाँ जो आपका मिसेज है उसका प्लूरल है मेस या फिर मैडम। नेक्स्ट सर मैडम, ये सिंपल है, स्कूल मास्टर स्कूल मिस्ट्रेस। तो ये जो सर है मैडम है, ये एक पोलाइटली आप जब किसी मेल पर्सन को बुलाते हो तो यू से सर, और जब पोलाइटली आप किसी फीमेल पर्सन को बुलाते हो तो आप कहते हो मैडम। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो MS है ये ब्रिटिश है, और जब यहाँ डॉट लग जाता है तो US और कनाडा में जो यूज़ होता है वो डॉट, जो डॉट वाला है वो US और कनाडा में यूज़ होता है। तो ये जो MS आप जब यूज़ करते हो, तो जैसे आपको जब पता नहीं है किसी का कि शी इज़ मैरिड और अनमैरिड, जब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं पता है, दैट टाइम वी यूज़ मिस। तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, मिस। अब ये मिस है, ये मिस किससे बना है, मिस्ट्रेस से, मिस्ट्रेस। अब एक अनमैरिड वूमेन को भी हम मिस बोलते हैं, एक टीचर को भी मिस बोल सकते हैं, वेट्रेस को भी। तो आपको ये समझ आ गया कि इफ़ समवन इज़ मैरिड तो आप मिसेज यूज़ करेंगे, मिस्टर ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए यूज़ हो जाता है। तो ये रहा आपका, जब आपको डाउट है, आपको पता नहीं है, यू आर नॉट कन्फर्म्ड, दैट टाइम यू यूज़ इट। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जो भी पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए। जो मेन पॉइंट था वो था कि एक विदाउट डॉट और एक डॉट, तो हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश और ये हम यूज़ नहीं करते, सेम वे ये डॉट वाला है और ये है आपका विदाउट डॉट्स। तो ये था आपके लिए, आप इसको फिर से एक बार देख लेना अगर आपको नहीं समझ आया है। तो मैंने मिस्टर मिस्टर्स और इनका प्लूरल जो बताया, मेस मैडम, तो मैंने ये दो इनका जो प्रोनंसिएशन है वो आप देख लीजिए। सो आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो एनिमल्स का यहाँ पर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर है वो कैसे है और कौन कौन सा उसमें काइंड्स हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास लिखा है बुल और काउ, ऑक्स काउ, बुलॉक हेफर। तो मैं यहाँ बता दूँ, जनरली हमने ये वाला तो सुना होता है ऑक्स काउ, बैल और गाय। तो यहाँ बुलॉक और हेफर, जो उसका जो मेल ऑक्स का यंग मेल ऑफ ऑक्स वो होता है बुलॉक, और हेफर होते हैं यंग काऊ। तो अब यहाँ जो बुल और काऊ है, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो बुल और काऊ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शार्क डॉल्फिन वेल बाइसन बफलाऊ कैमल क्रोकोडाइल एलिफेंट
जिराफ, हिप्पोपोटमस, राइनोसरस। तो यहाँ ये जो आप सब देख पा रहे हैं, इनका ऐसा नहीं है कि इनका कोई पर्टिकुलर है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारे लार्ज मैमल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इनका सबका साइज़ भी, तो जो लार्ज मैमल्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बुल और काओ। जैसे आपने सुना होगा मंकी के लिए ही मंकी, शी मंकी बोल देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर इन सब के लिए क्या यूज़ होता है, बुल काओ। अब हो सकते हैं आप ऐसे कह दो कि बुल बाइसन, कई बार समझ ही नहीं आता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बुल बाइसन, काओ बाइसन। तो इस तरह से ये आप जितने भी ये देख पा रहे हो, जो ऊपर मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, जिनको जैसे कि ये सांड होता है, भैंस, और ये आपका ऊंट, मगरमच्छ, हाथी, जिराफ, दरियाई घोड़ा, और ये आपका जो गेंडा जिसको बोल देते हैं, तो ये तीनों मछलियां हैं। तो इनका जो बॉडी है वो भी एक, ये लार्ज, इनका जो साइज़ है वो भी बड़ा लार्ज है। तो लार्ज मैमल्स के लिए जो यूज़ किया जाता है वो बुल और काओ किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, जैक एस, जेनी एस। तो जैक एस क्या होते हैं, अ मेल डोंकी इज कॉल्ड जैक एस। इसी तरह अब हमने पढ़ा होता है हॉर्स मेयर जैसे, तो जो स्टैलियन है वो एक एक्चुअल वर्ड है, प्रॉपर वर्ड स्टैलियन है एक मेल हॉर्स के लिए। तो मेल हॉर्स जो होता है वो होता है स्टैलियन, और इसका बनेगा मेयर। नेक्स्ट कॉल्ट फिली, अ यंग मेल हॉर्स इज कॉल्ड कॉल्ट, और इसका फेमिनिन क्या बनेगा, फिली। इसी तरह से रैम, अ मेल शीप, अ मेल शीप इज कॉल्ड रैम, और ये है यू, जो फीमेल शीप है उसको कहेंगे यू। तो इनका प्रोनंसिएशन एक बार ज़रूर देख लेना, रैम एंड यू। जब आर्टिकल्स की बात आएगी तो यू से पहले ए लगेगा, ना कि एन, बिकॉज इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज यू नॉट यू, तो ए लगेगा एन नहीं लगेगा आर्टिकल्स में। ही गॉट, शी गॉट, या फिर बिली गॉट, नैनी गॉट। तो ही गॉट और बिली गॉट ये दोनों मेल पार्ट है, मैस्कुलिन जेंडर है, और शी गॉट और नैनी गॉट ये हमारा फेमिनिन पार्ट है। ऐसे ही जैसे हमने ये देखा था यहाँ पर, वैसे ही हमारा बक और डव। अब ये जो बक और डव है ये किस के लिए यूज़ किया जाता है, डियर, रैबिट, हेयर, कैंगरू, स्क्विरल, तो इनके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है, बक और डव। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया था बिल्कुल वैसा ही केस ये है, वहाँ बुल है तो यहाँ बक है, तो मेल वाले के लिए हम बक यूज़ करेंगे और जो फीमेल है उसके लिए डव यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ मेल के लिए हम बुल यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए काऊ यूज़ करेंगे। स्टैग, अ मेल डियर इज कॉल्ड स्टैग, और ये है हाइंड। हार्ट, अ रेड मेल डियर इज कॉल्ड हार्ट, और ये क्या है, डव। तो ये कुछ आपके सामने एनिमल्स थे जो मैंने आपको बताया, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले है डॉग। तो जो डॉग है वो किस किस के लिए यूज़ होता है, अ मेल डॉग, अ मेल फॉक्स, अ मेल वुल्फ, भेड़िया, लोमड़ी। तो डॉग का क्या बनेगा, बिच, और वो तीनों के लिए बनेगा। तो इसी तरह से टॉड, अ मेल फॉक्स, जैसा यहाँ बताया अ मेल फॉक्स, उसको डॉग, उसके लिए डॉग भी यूज़ किया जाता है, तो टॉड भी हो सकते हैं और डॉग भी, और इसका क्या बनेगा, विक्सन, इसका जो फेमिनिन फॉर्म है वो बनेगा विक्सन। नेक्स्ट टॉम, टॉम कैट, ही कैट, ये क्या होता है, अ मेल कैट इज कॉल्ड टॉम, टॉम कैट, ही कैट, और इसका फेमिनिन क्या बनेगा, क्वीन और शी कैट, ही कैट, शी कैट। तो नेक्स्ट देख लीजिए, बॉर, अ मेल पिग और अ मेल बेयर, उसका क्या बनेगा फेमिनिन, सो। ऐसे ही लायन, लाइनस, टाइगर, टाइग्रेस, लेपर्ड, लेपर्डेस, यहाँ देख लीजिए
रूस्टर और कॉक. अ मेल डोमेस्टिक चिकन इज कॉल्ड रूस्टर और कॉक, जो मुर्गा होता है, एंड हैन मुर्गी. पीकॉक पीहेन मोर मोर्नी. ऐसे ही ड्रेक, अ मेल डक इज कॉल्ड ड्रेक और फेमिनिन इसका क्या रहेगा, डक. गेंडर, अ मेल गूज हंस, अ मेल गूज इज कॉल्ड गेंडर और ये क्या बनेगा, गूज. कॉब, अ मेल स्वान इज कॉल्ड कॉब और फीमेल स्वान जो है वो क्या कहलाएगा, पेन. ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये सब फीमेल हैं. ड्राउन, अ मेल बी और वॉस्प इज कॉल्ड ड्रोन और ये क्या है, फेमिनिन बी. ये है नर मधुमक्खी और ये है मादा मधुमक्खी, तो मतलब रानी मधुमक्खी भी आप कह सकते हैं इसको. तो ये थे आपके जो आपका जो रिमेनिंग पार्ट था एनिमल्स वाला, इंसेक्ट्स वाला या बर्ड्स वाला, तो वो ये था. तो अभी हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट था, तो यहाँ जैसे हमने बुल और काऊ अभी पढ़ा था, उसमें बुल और काऊ वाला जो था उसमें हमने देखा था कि उसमें जो लार्ज मैमल्स हैं, जैसे कि आपका एलिफेंट उसमें था, बाइसन उसमें था, हिपोपोटमस उसमें था, राइनोसरस उसमें था, तो ये सब क्या थे, लार्ज मैमल्स जो थे उनके लिए बुल और काऊ यूज, मेल के लिए बुल और फीमेल के लिए काऊ यूज़ हो रहा था. उसी तरह हमने देखा था बक और डाऊ. ये जो बक है ये हमारा डियर के लिए भी अलग से यूज़ हुआ था और रैबिट के लिए अलग से, हेयर के लिए अलग से, तो फीमेल में डाऊ. उसी तरह आपने देखा ही कैट शी कैट, ही गोट शी गोट. तो ऐसे ही जैसे अब हमारे पास है एप है, चिंपैंजी है, मंकी है, तो कुछ जगह आपको ये इस तरह भी मिलेगा, ही एप ही मंकी, ही गोरिल्ला शी गोरिल्ला. तो अब उसका कुछ जगह ये मिलता है तो कुछ जगह मेल फीमेल वाला भी मिलता है. जैसे इन सब के लिए अगर आप एक की बात कर रहे हैं तो मेल मंकी फीमेल मंकी इस तरह से, तो ये सब जो आप देख पा रहे हो उनके लिए मेल और फीमेल यूज़ किया जाता है इस तरह से. तो आप जैसे ही मंकी है शी मंकी है, इसी तरह मेल और फीमेल के साथ एप चिंपैंजी मंकी गोरिल्ला ईगल फिश फ्लाई फ्रॉग पेंगुइन मोंगूज स्नेक और टर्टल, तो इनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है ये. तो अब हमारा जो टॉपिक है जेंडर वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. सो आई होप आपको समझ आया होगा. हो सकता है टॉपिक आपके लिए थोड़ा लंबा हो गया हो, बट ये जो पॉइंट्स थे ये बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा इसमें कवर किया है. तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट इसका है, आई मीन जो हम इसका जो प्रोनाउंस हमने डिस्कस किए, जैसे कि किसके साथ हिज लगेगा, किसके साथ इट्स लगेगा, किसके साथ हर लगेगा, वो जो हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट प्रोनाउंस, तो उस प्रोनाउंस में भी वो डिस्कस किया जाएगा. और यहाँ ये बता दूँ मैं कि जो हमारा नाउन के अंदर नंबर और जेंडर पार्ट था उसमें जो एक टॉपिक है जो हमारा रहता है और वो हम प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स होने के बाद या उनके साथ साथ कवर करेंगे, वो है आपका जो पोजेसिव केसेस होते हैं. जैसे राम्स पेन, राम्स ब्रदर, तो राम का भाई. गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल. चिल्ड्रंस डे, विमेंस डे. तो ये चीज़ें थी जो हमने अभी यहाँ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको अभी पोजेसिव केस के बारे में बताया नहीं है. जब हम केसेस डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव ये केस बता दूँ उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँ. तो उस टॉपिक को मैंने आगे के लिए रखा है और वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे. आई होप जो टॉपिक नाउन है उसमें हमने नंबर और जेंडर जो किया अब तक आपको सब समझ आया होगा. मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सब समझाया जाए. तो आप इस जो पिछला जो सिलेबस अब तक हो चुका है आप उसको फिर से रिवाइज़ कीजिएगा वीडियोज़ को देखकर. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल दी बेस्ट.